आज का टॉपिक है कि YouTube पे जो नया टैक्स जो लगाया जा रहा है वो एग्जैक्टली है क्या। YouTube का आपको जो टैक्स की जो इन्फॉर्मेशन है आपके को आपको मेल पे भी आई होगी, और जब YouTube चैनल ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको वहाँ पे ये एक टैक्स का नोटिफिकेशन वहाँ पे भी शो हो रहा होगा। ये एग्जैक्टली है क्या, आज हम उसके बारे में बात करते हैं आपको। तो एक्चुअली जो मेरे पास मेल आया है वो है, जो कौन सी तारीख को मेल आया था, 9 मार्च 2021 को मेरे पास आया था, 11:25 पे ये मेल आया था मेरे पास, अपकमिंग टैक्स चेंजेस टू यूट्यूब अर्निंग, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिस था या एक नोटिफिकेशन था, पर्टिकुलरली यूट्यूब चैनल वालों ने हमको भेजा है और ये सभी को भेजा होगा जिसका भी चैनल मोनेटाइज हो चुका है, और कहीं ना कहीं जिनने अब तक कुछ अर्निंग कर ली है, टैक्स अर्निंग जो हुई है उसको कई बार ले भी लिया हो, या जो नए मोनेटाइज हुए उन सबके पास ये मेल गया होगा। तो एक्जैक्टली है क्या, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे वो जो मैसेज आया उसको रीड करूँगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में आपको किस तरीके से उसके जो कुछ स्टेप दिए उस फॉर्म को किस तरह से भरना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो पहली जो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि उनने क्या बोला है, वी आर रीचिंग आउट बिकॉज गूगल विल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट USA टैक्स फ्रॉम पेमेंट टू क्रिएटर्स आउटसाइड ऑफ द USA लेटर दिस ईयर, ठीक है। एंड एज अर्ली एज June 2021 ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वी विल आस्किंग यू टू सबमिट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इन एडसेंस टू डिटरमाइन द करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स टू डिडक्ट इफ एनी अप्लाई इफ यू टैक्स इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाई May 31 to 2021 गूगल मे बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट अप टू 24% ऑफ योर टोटल अर्निंग वर्ल्ड वाइड। तो उनका साफ साफ ये कहना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो है USA से टैक्स से रिलेटेड है, जो भी अर्निंग है वर्ल्ड वाइड से अगर आपसे हो रही है, मतलब यूएस से हो रही है कहीं और से भी हो रही है वर्ल्ड वाइड से, तो उस पर ही आपको टैक्स लगेगा, और आपको May 31, 2021 के पहले पहले ये फॉर्म भरना है गूगल एडसेंस पर जाकर, और आपको अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है पूरी पूरी फुल है। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन सही नहीं देते हैं या कुछ भी तो वो अपने हिसाब से वो डिडक्शन ज़्यादा कर देगा, 24% तक का डिडक्ट करेगा। अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तब भी वो 24% का डिडक्शन करेगा। तो आपको जो फॉर्म भरना है प्रॉपर भरना है। सेकंड चीज़, अगर नहीं भरते हैं तब भी 24% का तो वो आपसे मनी काट लेगा। द वाई डू आई नीड डू वट डू आई नीड टू डू इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यू विल रिसीव एन ईमेल टू सबमिट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इन एडसेंस द ऑनलाइन टैक्स टूल्स इन एडसेंस इज 6 स्टेप वी एंड विल आस्क यू टू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन टू गाइड यू थ्रू द प्रोसेस टू डिटरमाइन इफ एनी USA टैक्स अप्लाई फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस चेंजेस एंड लिस्ट ऑफ टैक्स इन्फॉर्मेशन इज प्रिपेयर एंड विजिट हेल्प सेंटर। अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो जो ऑलरेडी हेल्प सेंटर बनाया हुआ है हम लोगों ने यूट्यूब का टैक्स वाले का पेमेंट टैक्स का, तो उस पर भी जाके आप इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। ये 6 स्टेप में पूरी इन्फॉर्मेशन भरी जाएगी, उसमें कुछ क्वेश्चनरीज भी होगी, आपको उसको भी फिल करना है, उसको भी गाइड करना है, मतलब उसको भी भरना है। साथ ही वो फिल करने के बाद ही आपको जो रिलेटेड जो पर्टिकुलरली US से रिलेटेड जो भी आप मतलब व्यूज़ हो रहे हैं उस पर ही टैक्स लगेगा, बाकी रिमेनिंग पर टैक्स नहीं लगेगा। तो वॉट इज़ द हैपनिंग, गूगल हैज़ रिस्पॉन्सिबल अंडर Chapter 3 ऑफ द US इंटरनल रिवेन्यू कोड टू कलेक्ट टैक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल मोनेटाइज क्रिएटर आउटसाइड ऑफ द USA एंड द डिडक्ट टैक्स इन सर्टेन इंस्टांसेस व्हेन दे अर्न इनकम फ्रॉम व्यूअर्स इन द USA। सिंपल हिसाब से उसने बोल दिया कि अगर ये Chapter 3 के हिसाब से है जो कि बाकी गाइडलाइन है, और ये पर्टिकुलर उसी चीज़ पर लगेगा जब US के लोग आपकी चैनल को मोनेटाइज व्यू करते हैं तब उस पर लगाया जाएगा, ठीक है। For a creator outside of the USA, we will soon be updating on terms of services where you are earning from YouTube will be considered royalties from USA tax perspective, and this may impact way you are earning are taxed and require US law. Google will deduct tax. ठीक है, वहाँ साफ साफ बोला है कि वो जो भी US के जो भी लॉज हैं उसके हिसाब से वो टैक्स उतना ही काटेगा जितना है। अगर आप इन्फॉर्मेशन भर देते हैं तो वो जो टैक्स है 15% ही कटेगा, उससे ज़्यादा नहीं कटेगा। अगर आप नहीं भरते हैं तो 24% या 30% तक भी वो डिटेक्ट कर सकता है। हाउ विल माई अर्निंग बी इम्पैक्ट, अगर वो जो साफ साफ बोला अगर उसमें अर्निंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो इफ़ यू प्रोवाइड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन यू एस ए टैक्सेस तो मे ओनली बी अप्लाइड टू योर मंथली USA अर्निंग फ्रॉम एडसेंस, मतलब यू एस से आपको जो एडसेंस से जो अर्निंग हो रही उसी पर इफेक्ट पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। रिवेन्यू अर्न फ्रॉम व्यूअर्स इन द USA थ्रू एड व्यूज यूट्यूब प्रीमियम्स
या सुपर चैट या सुपर स्टिकर्स या फिर चैनल मेंबरशिप के थ्रू, अगर कोई मेंबरशिप उसके थ्रू हो रही है, ठीक है, अर्निंग हो रही, तो उस पर कुछ टैक्स लगेगा जो उनने फाइनल किया है। इफ़ नो टैक्स इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइड, योर टैक्स रेट मे बी डिफॉल्ट एज अ हायर इंडिविजुअल बैकअप विथ होल्डिंग रेट 24%। अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं तो वो मान के चलेंगे कि आपका 24% अर्निंग डिडक्ट करनी है आप जितनी भी अर्न करते उस पर, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, किससे रिलेटेड थी, अपकमिंग टैक्स चेंजेस टू योर यूट्यूब अर्निंग, ठीक है। तो ये आपको जो भी वो जो स्टेप्स बोलना चाह रहे हैं, जो भी फॉर्म बोल रहे हैं एडसेंस पे जाके आपको भरना है, एडसेंस मतलब वहाँ पे भी आपको ये एक एडसेंस पे भी आपको ये एक मैसेज नोटिफिकेशन वहाँ पे भी वहाँ पे शो होगा, आपको वहाँ पे जाके उस पूरी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करनी है, और फिर इन फ्यूचर में आप जो टैक्स लगेगा 24% वो कम हो जाएगा आपके इस पर। अगर भाई यूएस का, अगर आप कुछ यूएस के थ्रू कुछ अर्निंग हो रही है या यूएस व्यूअर के थ्रू कुछ अर्निंग हो रही है तो उस पर ही पर्टिकुलर लगना, बाकी किसी पे वो नहीं लगेगा टैक्स, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर ऑल द स्टेप्स रिलेटेड टू द स्टेप्स ऑफ रिलेटेड टू फॉर कौन सा जो रिलेटेड जो पेमेंट स्टेप्स है, उसका जो फॉर्म है उसको जो फिल करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा।